हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एल के नए टर्म इंश्योरेंस प्लान सर जीवन बीमा टेबल नंबर 859 के बारे में बताऊंगी जिसे एल ने 16 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको एल और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स आई ने लास्ट ईयर अपनी गाइडलाइंस में सभी बीमा कंपनियों से एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए कहा जिसकी टर्म एंड कंडीशन हर कंपनी में सेम हो और जिसे किसी भी आम आदमी को दिया जा सके भले ही वो किसी भी उम्र का हो या उसकी कोई भी एजुकेशन हो ऐसा टर्म इंश्योरेंस जिसे हर इंसान आसानी से समझ सके ज्यादातर कंपनीज ने इस प्लान को फर्स्ट जनवरी 2021 को लॉन्च किया पर एल ने इस प्लान को 16 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया है आज हम इस प्लान के खास फीचर्स बेनिफिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे मतलब ये प्लान किन के लिए है इस प्लान के क्या पॉइंट्स है क्या क्या फायदे हैं और किन को ये प्लान लेना चाहिए एल ने इसे सरल जीवन बीमा टेबल नंबर 859 के नाम से लॉन्च किया है ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि टर्म इंश्योरेंस प्लान वो होते हैं जिसमें हम सेविंग और मेच्योरिटी का बेनिफिट नहीं होता है मतलब कि पॉलिसी टर्म के बाद इसमें कोई पैसा वापस नहीं मिलता है अगर पॉलिसी टर्म के बीच में डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट मिलता है मतलब बीमा भी, के सारे पैसे रिटर्न हो जाते हैं सपोज किसी ने 25 लाख का प्लान 20 साल के लिए लिया हो तो 20 साल अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा और अगर इस बीच में उनकी डेथ हो जाती है तो परिवार को 25 लाख रुपए मिलेंगे यही डेथ बेनिफिट है आप इस प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं ऑनलाइन आप इस प्लान को www.licindia.in से ले सकते हैं और ऑफलाइन आप किसी भी एल एजेंट से इसे ले सकते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊँ तो मिनिमम एज अठारह साल है और मैक्सिमम एज सिक्सटी फाइव है इस प्लान को वो ले सकते हैं जो 18 साल की एज क्रॉस कर चुके हों और मैक्सिमम 65 साल के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं पॉलिसी टर्म इसमें फाइव ईयर से लेकर फोर्टी इयर्स तक है आप इस प्लान में 5 साल से लेकर चालीस साल तक का टर्म ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म का मतलब होता है कि आपकी लाइफ का रिस्कवर टाइम मान लीजिए कि आपने 40 साल तक का टर्म लिया है इसका मतलब है कि 40 साल तक आपकी लाइफ का रिस्क कवर होगा इस बीच कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को पूरा बीमा धन मिल जाएगा पाँच साल से लेकर चालीस साल का मतलब है कि आप पाँच छः सात आठ से लेकर चालीस साल तक कितने भी साल का टर्म ले सकते हैं मिनिमम मेच्योरिटी एज इसमें सत्तर साल की होती है यानी एज आपकी एज प्लस जितने का टर्म लिया है प्लान इज इक्वल्स टू सेवेंटी ईयर्स होना चाहिए मतलब अगर आप बीस आपकी एज बीस साल है तो पाँच से लेकर चालीस साल तक का कोई भी टर्म आप ले सकते हैं अगर एज फोर्टी फाइव ईयर्स है तो मैक्सिमम आप पच्चीस साल का टर्म दे सकते हैं उससे ज़्यादा का नहीं दे सकते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें फाइव लाख है और सम सम्योर्ड इसमें ट्वेंटी फाइव है इसमें कम से कम का आप पाँच लाख का बीमा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पच्चीस लाख तक का भी बीमा ले सकते हैं पच्चीस लाख से ज्यादा बीमा एल की दूसरी टर्म प्लान जीवन अमर में कवर होता है जीवन अमर और सरल जीवन बीमा के बीच की कंपैरिजन का वीडियो बहुत जल्द हम लेकर आएंगे इसमें आप प्रीमियम को तीन तरीके से पे कर सकते हैं फर्स्ट है रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें आप जितने साल तक का बीमा लेते हैं उतने साल तक प्रीमियम जमा कर सकते हैं अगर आप 20 साल का टर्म लेते हैं तो आप 20 साल तक प्रीमियम भरेंगे दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म यानी इसमें आप 5 साल और 10 साल तक आपको पे करना होता है मतलब टर्म आपने चाहे चालीस साल का लिया हो प्रीमियम आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पाँच साल या दस साल ही देना होता है और थर्ड है सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन इस ऑप्शन में आपको सिर्फ एक बार ही पेमेंट करना होता है उसके बाद कभी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपको इंश्योरेंस चलता रहेगा आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं मिस्टर राम राकेश है जिनकी उम्र बीस साल है वो 30 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं रेगुलर प्रीमियम पर ईयर फॉर 30 इयर्स यानी थर्टी ईयर्स के लिए नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव प्लस जी ए टी जी एस टी मिला के उन्हें हर साल देना पड़ेगा और अगर लिमिटेड प्रीमियम लेंगे तो पाँच साल में उनको ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी रुपीज़ उनको पर ईयर के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा और लिमिटेड प्रीमियम टेन ईयर के अकॉर्डिंग उनको फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी फ़ाइव का प्रीमियम उनको देना पड़ेगा अगर यही प्लान आप सिंगल प्रीमियम में लेते हैं तो वन लैक सेवन थाउजेंड इस प्लान में फोर्टी फाइव डेज का वेटिंग पीरियड है मतलब अगर फोर्टी फाइव दिन के अंदर नेचुरल डेथ होती है तो क्लेम नहीं मिलेगा सिर्फ जमा किया हुआ प्रीमियम ही वापस होगा पर एक्सीडेंट पहले दिन से ही कवर हो जाता है सुसाइड केस में एक साल बाद कवर होता है जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसमें मेच्योरिटी नहीं मिलती है क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस होता है इसलिए इसमें सिर्फ डेथ क्लेम ही आपको मिलता है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट इसमें एयरली हाफ ईयरली और मंथली तरीके से होता है ग्रेस पीरियड इसमें थर्टी डेज का होता है फॉर एयरली एंड हाफ़ ईयरली फीन डेज का इसमें मंथली मोड होता है पॉलिसी रिवाइवल आप इसमें पाँच साल के अंदर करा सकते हैं अगर आप प्रीमियम टाइम पर नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको इसमें ग्रेस पीरियड मिलता है जिसमें आप बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए प्रीमियम जमा कर सकते हैं और अगर फिर भी पैसा नहीं जमा करते हैं तो छः महीने बाद पॉलिसी बंद हो जाती है जिसे आप पाँच साल के अंदर पुरानी किस्त जमा करके पॉलिसी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं लोन इस पॉलिसी में लोन सुविधा नहीं है क्योंकि ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है रेगुलर प्रीमियम मोड में इसमें कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में सिर्फ कैंसिलेशन वैल्यू ही इसमें मिलती है इस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ राइडर और परमानेंट डिजेबिलिटी राइडर दोनों ही होते हैं सो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड रे किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन